सुप्रभात। आज आपके सामने महाभारत का एक दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। यह दृश्य उस समय का है जब कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे और अर्जुन अपने सामने अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को देख करके व्याकुल हो उठता है और युद्ध करने से मना कर देता है। तब उनके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं और उनके मन पर छाए अंधकार को दूर कर देते हैं। तो इस दृश्य में श्री कृष्ण का किरदार निभा रहे हैं सातवीं कक्षा के छात्र आदित्य और अर्जुन का किरदार निभा रहे हैं आदित्य के पिताश्री ओम प्रकाश यादव जी। तो आइए हम सब चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में और देखते हैं यह दृश्य। हे देवकी नंदन, कुरुक्षेत्र के इस महासंग्राम में मेरी आंखों के सामने खड़े भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, आचार्य जी, सगे संबंधी, भाई बंधु, भला मैं इनके सामने युद्ध कैसे कर सकता हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे पार्थ, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोत्सु कर्मणि। हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है। तुम सिर्फ कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो और इस समय तुम्हारा कर्म सिर्फ युद्ध करना है। तुम सिर्फ युद्ध करो। हे देवकी नंदन, क्या युद्ध करना ही मेरा कर्म है? क्या युद्ध में प्राप्त इनकी मृत्यु से मुझे दुख नहीं होगा? नैनन, हे पार्थ, आत्मा अजर और अमर होती है, इसीलिए इनके जाने पे दुख किस प्रकार का? सुनो, नैनन चिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनन क्लेदयन्त्याको न शोषयति मारुतः। हे पार्थ, आत्मा अजर और अमर होती है, न ही इसे शस्त्र से भेदा जा सकता है, न ही इसे अग्नि जला सकती है, न ही इसे वायु सुखा सकती है और न ही इसे जल गीला कर सकता है। और सुनो, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नए शरीर धारण कर लेती है। हे माधव, क्या यह मेरे लिए पाप कर्म नहीं होगा? क्या अपनों को मौत की घाट उतार करके क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ और हानि को एक समान समझकर तुम सिर्फ युद्ध में लग जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ कर्म करो, इससे तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। हे गोविंद, आपने मेरी आंखें खोल दी है। मैं इस धर्म युद्ध के लिए तैयार हूँ और आप तो धर्म के संरक्षक हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक इस पृथ्वी पर अधर्म का विनाश करने और धर्म का उत्थान करने और सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। हे भगवान, मैं इस धर्म युद्ध के लिए तैयार हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखा आपने कैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान का उपदेश दे करके अर्जुन के मन पे जो अज्ञान रूपी अंधेरा छाया था उसे दूर कर दिया और उसे बताया कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य होता है, फल की चिंता करना नहीं होता। उम्मीद है
आपको नन्हे श्री कृष्ण का उपदेश अच्छा लगा होगा। दृश्य देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।